प्यार का पंचनामा में जब हमने कार्तिक आर्यन का वो सिंगल मोनोलॉग सुना था तो हम सभी शॉक्ड हो गए थे, हैरान हो गए थे और इम्प्रेस्ड हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज एंड वेलकम टू योर चैनल। चलिए बात करते हैं कि कार्तिक आर्यन के आजकल ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दरअसल सबसे पहले आपको बता दूँ, कार्तिक आर्यन ने प्यार का पंचनामा से अपनी शुरुआत की थी, उसके बाद प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी, सोनू के टीटू की स्वीटी, जहाँ पर कार्तिक आर्यन भाई साहब जो हैं हमारे, उनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला, उन्हें पसंद किया गया, उनके मोनोलॉग्स, उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके लुक्स, उनकी बॉडी वगैरह वगैरह। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेन खबरें पता चल रही हैं कार्तिक आर्यन के बारे में वो हैं कि सलमान खान हमारे दबंग भाईजान के वो छोटे भाई बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने सबसे पहले एक बात बताई थी कि संजय लीला भंसाली सर इंशा अल्लाह के लिए सोच रहे हैं भाईजान सलमान खान के साथ और ये फिल्म 2020 तक आएगी, ठीक है। मेन इम्पॉर्टेंट बात कि इसका जो टाइटल है इंशा अल्लाह, ये इम्फा में रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। और संजय लीला भंसाली सर का जिस तरीके से प्रोडक्शन डिज़ाइन होता है, जिस तरीके से वो कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, तो वो टाइम लगता है। 6 महीने लगा लीजिए कि कॉन्सेप्ट बनाने में, स्टोरी लिखने में टाइम लगेगा, उसके बाद शूटिंग होगी, उसके बाद फिल्म रिलीज़ होगी। अब दोस्तों ये मेन इम्पॉर्टेंट बात पता चली है कि कार्तिक आर्यन को मुंबई में संजय लीला भंसाली सर का जो ऑफिस है वहाँ पर स्पॉट किया गया काफ़ी बार, और जो प्रोडक्शन के अंदर के सोर्सेज हैं, जो प्रोडक्शन के मुखबिर होते हैं, उन्होंने ये बात तक कह दी है कि कार्तिक आर्यन के लिए बातचीत चल रही है कि इंशा अल्लाह के अंदर, यानी कि इस फिल्म के अंदर, अगर इसका टाइटल इंशा अल्लाह होता है, जो कि सलमान खान के साथ संजय लीला भंसाली सर लेकर आएंगे, तो उसमें छोटे भाई के कैरेक्टर में कार्तिक आर्यन होंगे। अगर ऐसा हो गया ना दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी किसी भी एक आउटसाइडर के लिए कि संजय लीला भंसाली सर के साथ काम करें। हालांकि पास्ट में रणवीर सिंह ने किया है दोस्तों, शाहरुख सर ने किया है, लेकिन वो तब एक स्टेटस पहुंच गए थे। यहां पर कार्तिक आर्यन ने जस्ट अभी शुरुआत करी है दोस्तों इंडस्ट्री में, तो ये कार्तिक भाई साहब के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी अगर ऐसा होता है। तो रूमर्स तो यहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो मेरा काम है आप लोगों तक ये सारी बातें पहुँचाना। वैसे आप मुझे बताइए कि अगर कार्तिक आर्यन सलमान भाईजान के छोटे भाई के किरदार में नज़र आएंगे तो कितना ज़्यादा फन, कितना ज़्यादा एंटरटेन होगा, क्योंकि दोनों ही एक्टर कमाल के हैं। भाईजान सलमान खान के बारे में तो मतलब कुछ कहना तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। कार्तिक आर्यन ने अपने एक्टिंग एबिलिटीज को हमें प्रूव करके दिखाया है। लेट्स सी, ओ फॉर दी बेस्ट। मैं तो चाहता हूँ कि हो, मतलब छोटे भाई और बड़े भाई का कैरेक्टर ऐसा हो। आप क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताना, भूलना जाना इंशाल्लाह के बारे में। और जैसे ही मुझे कुछ और लेटेस्ट अपडेट पता चलेगी आपको तुरंत लेकर बताऊँगा मैं, एंड आप कमेंट करो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।